राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर बवाल, अब संजय राउत ने बोला हमला। राज्यपाल को लेकर क्यों बिगड़े राउत के बोल। महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज पर दिए बयान के बाद मचे सियासी घमासान में अब शिवसेना सांसद संजय राउत की एंट्री हो गई है। संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे। पहले सुनिए संजय राउत ने राज्यपाल को लेकर क्या कुछ कहा। बात ऐसी है, अब हम उनको गवर्नर मानने को ही तैयार नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के विनम्र सेवक है, प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो बहुत ही तटस्थता और निष्पक्षता है। वो हिंदुस्तान का संविधान का ध्यान रखता है और निर्णय देता है, और बोलने में और आचरण में उनका एक प्रतिष्ठा रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने एक साल या दो साल में इस प्रकार के वक्तव्य की है, तो महाराष्ट्र की जनता कुछ नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ भी बोलेंगे, महात्मा फुले के ऊपर बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले के ऊपर आप कमेंट्स करेंगे। ये क्या महाराष्ट्र को आपने तमाशा बना, खेल बना के रखा है क्या कोई? हाँ, तो लोगों में गुस्सा आप देख लो, कभी भी राज्यपाल के खिलाफ इतना गुस्सा किसी राज्य में नहीं हुआ। लोग उनको जूते मार रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है महाराष्ट्र में। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का अपना पार्टी का मुख्यालय बना लिया, ये कारण है उसका। दूसरी तरफ सर, एनसीपी के एमएलए हैं महेश तापासे, वो भी कह रहे हैं कि हम आज राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि गवर्नर को अपनी जिम्मेदारी समझ। देखिए, ये सिर्फ हमारी भावना नहीं है, सरकार में जो बहुत से मंत्री और एमएलए हैं उनका भी राज्यपाल के बारे में यही भावना है, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे, यही भावना है। सर, दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो जेल मंत्री हैं, वो जो मसाज करते हुए दिख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं। लेकिन सर, जो मसाज करने वाले हैं वो जेल अथॉरिटी कह रहा है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, मुझे मालूम नहीं। मैं इस बारे में जब आप पॉस्को एक्ट के मामले में जेल में बंद रहे, मुझे मालूम नहीं। आप ये सवाल मुझे क्यों पूछे, मैंने कोई देखा नहीं। मैं भी बहुत दिन तक जेल में रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। मैं इस प्रकार की जेल की खबरें पढ़ना बंद कर दिया है, छोड़ दीजिए, मुझे मालूम नहीं। संजय राउत के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि राज्यपाल ने कई मौकों पर विवादित बयान दिए हैं, जिससे महाराष्ट्र के लोगों की भावनाएं आहत हुई है और यह आचरण अस्वीकार्य है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने औरंगाबाद में शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने जमाने के आदर्श हैं, जबकि आज के युग के आदर्श और हीरो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जैसे नेता है। राज्यपाल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजनीतिक दल उनके इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। इसी को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।